हेलो लर्नर्स, सो लास्ट टू सेशंस वी आर डिस्कसिंग अबाउट ऑडिटिंग राइट सो इन फर्स्ट सेशन वी डिस्कस अबाउट वी डिस्कस अबाउट द सिलेबस ऑफ आर ऑडिटिंग राइट एंड इन अ सेकेंड सेशंस वी डिस्कस द डेफिनेशन और ये जो डेफिनेशन है बहुत ही ब्रीफली हमने एक्सप्लेन मैंने समझाई थी आप लोगों को राइट right?

ये उसका टास्क है मतलब ये वो चीज है जो उसको करना है राइट तो जो चीज उसको करनी है उसके क्या फीचर्स है ये है नहीं तो बहुत सारे बच्चों कंफ्यूज हो जाते हैं वो ऑडिटर के फीचर्स मान लेते हैं इसमें तो हम लोग को ऑडिटर के फीचर्स नहीं करने हैं हम लोग को ऑडिटिंग के फीचर्स देखने राइट सो so, ऑडिटिंग के फीचर्स क्या है फर्स्ट है सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक प्रोसीजर तो एक ऑडिटिंग क्या है ये एक सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक प्रोसीजर है सिस्टमैटिक मींस जो एक सलीके से जाएगी एक सिस्टम से जाएगी राइट right? मतलब पहली यही चीज करनी पड़ेगी दूसरी यही करनी पड़ेगी तीसरी यही करनी पड़ेगी सो दिस इज अ प्रोसीजर और साइंटिफिक क्यों बोला गया है साइंटिफिक uh, जब भी हम लोग ये वर्ड यूज करते हैं इसका मतलब uh, ये ये प्रूवन है इसको प्रूव किया गया है साइंटिफिक तरीके से इसको हम लोग करते हैं सो फर्स्ट फीचर है ऑडिटिंग का सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक प्रोसीजर सेकेंड है डॉक्यूमेंट एंड पार्ट ओके मतलब देखो एक ऑडिटर को क्या करना है जो कंपनी है कोई भी एक्स वाई जेड कंपनी है मान लो कोई रिलायंस इंडस्ट्री है राइट right? अभी रिलायंस इंडस्ट्री के तो बहुत सारे छोटे छोटे कंपनी है ओके okay? रिलायंस एक ग्रुप है और उसके बाकी सब बहुत बहुत अलग अलग क्या है कंपनीज है तो मान लो वैसे ही जैसे मान लो जियो का ओके okay? ये जियो इनकी जो कंपनी है यहाँ पे एक ऑडिटर ऑडिट कर रहा है बराबर तो अभी ऑडिट करेगा मतलब क्या करेगा उस हाँ उसने ऑडिट किया है ये कैसे पता चलेगा तो ये पता चलेगा कि वो जो डॉक्यूमेंट्स है वो क्या करेगा अपने पास रखेगा ओके अभी ये पूरा खेल है ना डॉक्यूमेंट का है ये दुनिया ही डॉक्यूमेंट से चलती है बस डॉक्यूमेंट दिखाया था इसका मतलब है राइट तो वैसे ही डॉक्यूमेंट्स आर पार्ट तो जब ऑडिटर ऑडिटिंग करेगा तो वो क्या करेगा उसके जो डॉक्यूमेंट्स रहते हैं ना उसको जमा करेगा राइट वो ऑडिटर क्या करेगा उस डॉक्यूमेंट्स को संभाले रखेगा अभी कौन से डॉक्यूमेंट तो जो कंपनी है ओके वो कंपनी है तो या तो वो सर्विस प्रोवाइड कर रही रहेगी या तो वो गुड्स प्रोवाइड करेगी राइट right? मतलब या तो वो सर्विस को बेचेंगी या तो वो गुड्स को बेचेंगी या तो वो दोनों बेचेंगे राइट right? अभी ये लोग कुछ तो क्या कर रहे हैं सेल्स कर रहे हैं तो जब ये सेल्स कर रहे हैं तो उसका वाउचर रहेगा ये सुनो राइट उसका वाउचर रहेगा ना हां तो जो बिल रहेगा वो एक कॉपी जो है वो कंपनी के पास रहती है एक कॉपी जिसको बेचा है उसके पास रहती है बराबर तो जब ऑडिटर है ये क्या करेगा डॉक्यूमेंटेशन करेगा ये सब चेक करेगा और ये अपने पास उसके डॉक्यूमेंट्स बनाएगा कि भाई मैंने ये कंपनी में जाके ये ये सब मैंने चेक किया है राइट ये उसके ड्यूटी का एक पार्ट है कि जो भी वो कर रहा है उस कंपनी में जाके उसको क्या करना है उसको डॉक्यूमेंट्स बना के रखना है उसका एक फाइल बनाना है देन इट इज डन द हेल्प ऑफ देखो वाउचर डॉक्यूमेंट्स इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन रिसीव फ्रॉम द ऑडिटरियट्स राइट मतलब ये कहाँ से मिलेगा ये डॉक्यूमेंट तो जो वाउचर्स है मतलब सेल्स का वाउचर परचेस का वाउचर डॉक्यूमेंट्स है इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन ये सब जो इसने रिसीव किया है वहां से मिलेगा देन बाय एन इंडिपेंडेंट पर्सन और बॉडी ओके अंडरटेकन बाय इंडिपेंडेंट पर्सन अभी जैसे मैंने तुम लोग को बोला था कि जो ऑडिटर है वो क्या होता है? आप क्या करो इसका ऑडिटिंग इजीली करो तो ऐसा नहीं होता है ही शुड नॉट डिपेंड ऑन एनीथिंग राइट किसी भी चीज के ऊपर उसको डिपेंड नहीं होना है राइट right? तो वैसे ही उसके जो भी जितने भी लोग उसके साथ काम कर रहे हैं वो भी अंडर बाय एन इंडिपेंडेंट पर्सन वो जो डॉक्यूमेंट्स है ओके okay? या जो भी जो भी लोग काम करने वाले हैं वो उस कंपनी में डिपेंड नहीं रहेंगे देन एनालिटिकल अप्रोच एक ऑडिटर का जो अप्रोच है टू ऑडिटिंग वो कैसा होना चाहिए एनालिटिकल होना चाहिए नहीं तो ऐसा है कि उसके सामने डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं लेकिन उसको ये नहीं पता है कि वहाँ पे फ्रॉड चल रहा है Right? तो उसका सूझबूझ वो बहुत ही बेहतरीन होना चाहिए मतलब वो डॉक्यूमेंट्स देख के उसको ये समझना चाहिए कि यहाँ पे फ्रॉड हो रहा है या नहीं हो रहा है गेटी? अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे ये टू का जो स्कैम था <coughs> स्टैम्प्ट uh, वाला ओके okay? जो स्टैंप पेपर थे इसका बहुत बड़ा एक स्कैम हुआ था जो 2003 थ्री में बाहर आया राइट right? अभी इसमें जो ऑडिटिंग हुआ था इसमें इन लोगों को क्या पता चला था कि जो पेपर्स रहते हैं ना ओके स्टैम्प पेपर राइट ये जो स्टैम्प पेपर है ये नाशिक के एक प्रिंटिंग प्रेस में प्रिंट होते थे बराबर और यहाँ से ही इसका सप्लाई जाता था तो डेफिनेटली महाराष्ट्र का पूरा का पूरा सप्लाई जो है नासिक से ही होता था बराबर तो इन लोगों को ऑडिट में क्या मिला कि इस प्रेस में जो महाराष्ट्र में डिस्ट्रीब्यूट जितने भी स्टैम्प पेपर्स किए हैं वो उसका जो आ, कुल अंक है वो कम है जितने की रजिस्ट्रेशन हुए हैं

नेक्स्ट इज आर्ट एंड साइंस बोथ ये जो ऑडिटिंग है ना ये आर्ट भी है और साइंस भी है अभी ये तुम लोगों ने कॉमर्स में बहुत ज़्यादा पढ़ा होगा ना कॉमर्स का जो डेफिनेशन है दैट इज मैनेजमेंट इज आर्ट एंड साइंस बोथ तो ये वही है कि ऑडिटिंग भी जो है एक कला है आर्ट है और साइंस की हो बिकॉज ये हम लोग को प्रूव करना है देन वेरीफिकेशन ऑफ द रिजल्ट अभी जो रिजल्ट इसके सामने आए उसको वेरीफाई करना है वेरिफिकेशन ऑफ द रिजल्ट मतलब जो जो ऑडिटर के सामने की चीजें आती जाएंगी उसको ये वेरीफाई करता रहेगा द ऑडिटर हैज़ टू सेटिस्फाइड हिमसेल्फ विद द ऑथेंटिसिटी मतलब देखो जो डॉक्यूमेंट्स ये भाई सबको मिल रहे ऑडिटर को मिल रहे ये हम लोग को क्या करना पड़ेगा उसको सेटिस्फाई होना पड़ेगा कि हाँ ये डॉक्यूमेंट है देखो क्या होता है कि ये एक सिस्टमेटिक है मतलब मान लो कि कंपनी ने सेल किया राइट तो सेल्स किया तो सेल्स से हम लोग कितना सारा चीज देख सकते हैं देखो सेल्स है तो उसका क्या रहेगा वाउचर्स रहेंगे मतलब बिल रहेगा राइट अभी सेल किया तो डेफिनेटली बैक में इसने क्या किया होगा परचेस किया होगा तो परचेस का भी क्या रहेगा बिल रहेगा बराबर अच्छा परचेस किया तो इसमें भी क्या रहेगा कैश परचेस रहेगा और क्रेडिट परचेस रहेगा इन अ सेम मैनर सेल्स में भी कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स रहेगा बराबर अभी ये सब मुझे कैसे पता रहे बिकॉज आई एम गुड एट अकाउंट अकाउंटेंट रहता है ना ये अकाउंट का सबसे ऊपर का लेवल है तो उसको ये सब पता है तो एक चीज से ये ऐसे बैक में पूरा जा सकता है राइट सो ही हैज टू बी सेटिस्फाइड मतलब जो डॉक्यूमेंट इनको मिले हैं उसके ऊपर उसको भरोसा रखना पड़ेगा उससे होके ही उसको उसका आंसर

ऑफ अकाउंट मतलब एक ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा जो भी मान लो एक ट्रांजेक्शन है जैसे मैंने सेल्स का एग्जाम्पल लिया तो सेल्स हुआ है मान लो कि यहाँ पे मिस्टर अभिषेक को ओके वन लैख का सेल्स किया गया ओके वन लैख का तो एज ऑडिटर मैं इसको कैसे चेक करूंगी ये जो बिल है ओके okay? इसमें ये वन लैख का ट्रांजेक्शन रहेगा बराबर उसके बाद यही एंट्री कंप्यूटर में भी रहेगी बराबर देन इसका अभी इसको सेल किया है तो ये कौन बन गया हमारा डेटर राइट right? उसके बाद में ये देखूंगी कि इसने जो कैश सेल्स किया है या क्रेडिट सेल्स किया है कौन से पैटर्न uh, में इसने सेल किया है कैश क्रेडिट या दोनों भी सो ऑल दिस वी हैव टू चेक तो एक ऑडिटर जो है ऐसे ही वो एक वाउचर को या फिर एक चीज को वो इंस्पेक्ट करेगा कंपेयर करेगा चेक करेगा अगर उसको लग रहा है कि इसमें कुछ गड़बड़ है तो उसको स्क्रूटिनाइज भी करेगा और ये सब करने के बाद वो बताएगा कि ये जो पी एन एल है या ये जो है ये करेक्ट है या नहीं है सो हियर वी आर कंप्लीटेड विद द फीचर ऑडिटिंग सो दिज आर एंड थैंक यू वेरी मच आई होप यू अंडरस्टैंड basic concept of auditing. Thank you.